सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन धतरवाल और आज हम बात करने वाले हैं आपके सपनों के बारे में। वो सपने जो आपने कुछ साल पहले लिए थे, वो सपने जो आपके माँ बाप ने शायद आपके पैदा होते ही ले लिए थे, उस जर्नी के बारे में जो आपने कुछ साल पहले शुरू करी थी, वो जर्नी जहां पे आपकी एक डेस्टिनेशन है और उस डेस्टिनेशन के लिए आपके पीछे एक नहीं, हजार नहीं, दस हजार नहीं, 10 लाख लोग हैं जो कि सेम डेस्टिनेशन के पीछे हैं और सेम मकसद के साथ हैं। और अच्छी बात पता है क्या है कि वो 10 लाख लोग भी आपको नहीं रोक सकते। आपने जो जर्नी शुरू करी थी यार, वो आज 80% खत्म हो गई है, उसका सिर्फ 20% पार्ट बचा है, वो लास्ट फेज, वो आखिरी लाभ जिसमें एथलीट अपनी पूरी जान लगा देता है, जो होता है सब कुछ झोंक देता है। आप अपने उसी फेज में हो अभी। अगर यहां पे कोई अपनी पूरी जान नहीं लगाता यार, तो जो इतनी बड़ी जर्नी आपने अभी तक ट्रैवल की थी, इतने पहाड़ बीच में चढ़े थे, उनका एज सच कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप फिनिश लाइन तक अपना बेस्ट नहीं दे पाए थे, वो लास्ट फेज, वो आखिरी लैप में बेस्ट नहीं फोड़ पाए थे। काफी बच्चे बोलते हैं भैया आई ट्राइड, मैंने कोशिश करता हूं, बहुत कोशिश करता हूं पर हो नहीं पाता। भैया पढ़ा तो था, हो नहीं पाता, नंबर नहीं आ रहे, तो छोड़ देते हैं। जब भी लाइफ यार आपको फेलियर देती है, लाइफ आपको बताना चाहती है कि यार थोड़ा और जोर लगा। सक्सेस है ना यार, वो एक दरवाजे की तरह होती है और उसको खोलने के लिए हमें इनपुट देना होता है फोर्स का, और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड ब्रेक करना होता है। जब तक वो थ्रेशोल्ड ब्रेक नहीं होता, हमें फेलियर मिलती है। तो जब आप जोर लगाते हो तो गेट के दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, यार थोड़ा और जोर लगा, तो और जोर लगाओ। उसके बाद भी अगर आवाज आती है, थोड़ा और जोर लगा, तो और जोर लगा। उसके बाद भी आवाज आती है, थोड़ा और जोर लगा, तो और जोर लगा। वो दरवाजा बना ही खुलने के लिए यार। आप जैसे काफी ऐसे लोग थे जो उस दरवाजे को खोल के उसकी दूसरी तरफ गए, तो आप क्यों नहीं जा सकते? आपके लिए कोई स्पेशल यूनिक ताला तो बनाया नहीं है। और जो बच्चे कहते हैं यार कि हमारी सर्कमस्टेंसेस खराब हैं, ठीक है, हमें उतना वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया, तो यार ऐसे कितने बच्चे हैं जो आप ही के सर्कमस्टेंसेस उसी सेम सिमिलर एनवायरनमेंट में से निकले हैं और उस दरवाजे को खोल के दूसरी तरफ गए हैं। वो दरवाजा बोल रहा है यार कि तुम जोर तो लगाओ, मैं खुल जाऊंगा, तुम जोर तो लगाओ, मैं खुल जाऊंगा। ये जर्नी पे यार आपका कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ आपका जो दोस्त और जो दुश्मन है वो है जो अभी इस वीडियो को देख रहा है, और वो हो आप खुद। सक्सेस यार ये कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स है, सिर्फ स्मार्ट वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क, सिर्फ कंसिस्टेंसी, सिर्फ डिसिप्लिन, सिर्फ सैक्रिफाइस, इन अकेली चीजों से नहीं मिलती आपको, मिल जाएगी, टाइम लगेगा, इन सभी चीजों को जोड़ना पड़ता है, वो सोच रखनी पड़ती है, उस सपने को जिंदा रखना पड़ता है, तब हमें वो दरवाजा खुलता है। और जर्नी यार जितनी मुश्किल हो, देखो यार काफी बच्चे बोलते हैं काफी मुश्किल है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, ठीक है, नहीं हो पा रहा, कितना कंपटीशन है, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, रैंक अच्छी नहीं आ रही है, और कोचिंग भी कर रहा हूँ, पैसे भी लगा दिए घर वालों ने, रिजल्ट नहीं आ रहा है, जर्नी बहुत मुश्किल है। जर्नी जब मुश्किल होती है यार, पहाड़ जितना ऊंचा होता है उसे चढ़ने का उतना ही ज्यादा मजा होता है यार। एक छोटे से टीले पे चढ़ के आप सेलिब्रेट थोड़ा ना करते हो, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के ही बंदा सेलिब्रेट करता है ना यार कि मैं यहाँ चढ़ गया। सिमिलरली जर्नी जितनी मुश्किल होती है, जितनी ऊबड़ खाबड़ होती है, जितनी लंबी होती है, उसके एंड में, उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचने की खुशी उतनी बड़ी होती है। अभी तुम अपनी डेस्टिनेशन के मालिक हो, तुम्हारी हाथ की रेखाएं तुम्हारे हाथ में हैं,
तुम डिसाइड कर सकते हो कि यार मेरे को लाइफ में ये चीज चाहिए या मुझे ये लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे ये दरवाजा खोलना है या नहीं खोलना, मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है या नहीं चढ़ना। ये आपका लास्ट जो लैप है, जो लास्ट फेज है, ये लास्ट का 20% ये डिसाइड करेगा। आप इतनी दूर चल के आ चुके हो यार ऑलरेडी, वो रोज रोज सुबह उठना, वो रोज रोज तैयार होना स्कूल के लिए, स्कूल में जाना, अटेंडेंस मेंटेन करके रखना, स्कूल के मंडे टेस्ट देना, यूनिट टेस्ट देना, हाफ ईयरली देना, प्री बोर्ड देना, शाम को कोचिंग में जाना, जेई मेंस की कोचिंग वापस लेके घर आना, फिर एक्स्ट्रा ट्यूशंस लेना, ये सारी की सारी मेहनत 80% आप कर चुके हो। वो आखिरी का फेज बच गया यार, इसमें अपने आप को स्ट्रांग रखो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। ये लास्ट फेज मैटर करता है, ये लास्ट फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज 8 घंटे पढ़े थे, कल 8.5 घंटे पढ़ो, परसों 9.25 घंटे पढ़ो, अपनी लिमिट्स को एक्सीड करो यार, पुश करो अपनी लिमिट्स को, खुद से कंपटीशन लगाओ यार कि मैं जो कल था और जो मैं आज हूं उसमें डिफरेंस होना चाहिए। आज है और जो कल था, आज वाला कल वाले से बेहतर है। कल मैं 8 घंटे पढ़ा, आज मैं 8.25 घंटे पढ़ा, कल मैंने ये करा, आज मैंने इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करा, कल मैंने ये करा, आज मैंने इस चीज को सैक्रिफाइस करा। जब खुद से ये रेस लग जाएगी यार, जब खुद आप उस सपने को रियलिटी बनाना चाहोगे, तब चीजें आएंगी और वो दरवाजा खुलेगा यार, वो दरवाजा खुलेगा। बस तुम गिव अप मत करो, गिव अप मत करो, क्योंकि यार सबसे बुरी फीलिंग पता है क्या है? सबसे बुरी फीलिंग फेलियर की नहीं है, सबसे बुरी फीलिंग वो है जब आपने अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिया, आपने अपनी पूरी जान नहीं लगाई और उसके बाद आपको फेलियर मिला। तब लगता है यार कि थोड़ी सी और मेहनत कर देता, थोड़ा सा और पुश कर देता, थोड़ा सा और जोर लगा देता तो शायद दरवाजा खुल जाता। और उसके बाद यार आप चाहे कितना ही पबजी खेलो, कितना ही आप ऑनलाइन आओ, कितना ही फेसबुक चलाओ, कितना ही नेटफ्लिक्स चलाओ, कितना ही अमेजोन प्राइम चलाओ, कितना ही जूस पियो, कुछ भी खाओ, वो जो पॉइजन एक बार आ जाता है फेलियर का, क्योंकि आपने फुल पोटेंशियल नहीं दिया था अपना, वो हट नहीं पाता अनटिल अनलेस आप उसे ब्रेक करो एक सक्सेस पाके। तो यार ये आपके ऊपर है कि आप अपने इस आखिरी फेज को कैसे रखना चाहते हो। और जर्नी होती है यार सबसे अच्छा पार्ट, एक बार आप जर्नी के एंड में पहुंच गए उसके बाद आपका एक नया गोल बन जाएगा। आपने एक बार 12वीं का बोर्ड दे दिया उसके बाद आपका नया गोल बन जाएगा। ये जो जर्नी होती है ये वो चीज़ है जो कि हमें याद रहती है। और ये आप भी रियलाइज़ करोगे जैसे ही कॉलेज में जाओगे, फिर आपका गोल होगा कि यार हम प्लेसमेंट्स अच्छी ले लें, पर जब पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ये जर्नी याद रहेगी जो आपने इसमें मेहनत करी है, जो आपने इसमें सैक्रिफाइस करे हैं। क्योंकि जब आप सैक्रिफाइस करते हो, जब आप अपनी लिमिट्स को एक्सीड करते हो, तब आप अपनी एक नई फॉर्म बनते हो। आपको हीट करा जा रहा है, बार बार बोलता हूँ हीट हो रहे हो अभी आप, लोहे को तपाते हैं तभी वो एक नई शेप लेता है। इसी के साथ यार आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। पूरी जान लगा दे यार, पूरी जान लगा, जो है कुछ अंदर रख मत, जितनी जान है सारी लगा दे। अब तक अगर मेहनत नहीं करी थी कोई बात नहीं, इस लास्ट लैप में तो पूरी जान लगा के भाग, एटलीस्ट अंदर वो चीज़ तो नहीं रहेगी यार कि मैं थोड़ा और तेज भाग सकता था किया नहीं, वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोड़ के आना है, सुबह उठते वक्त बोलो फोड़ के आऊँगा, शाम को बोलो फोड़ के आऊँगा, दिन में 20 बार बोलो फोड़ के आऊँगा, अच्छा करके आऊँगा। अपने गोल्स को बार बार रिपीट करो, बार बार लिखो और एक पॉजिटिव माइंड रखो और चीज़ें यार हो जाएंगी। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी, हैव अ गुड डे एंड बाय।